खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। करते हैं हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। हनुमानगढ़ में एसीबी की कार्रवाई और ग्राम सेवक और दलाल को एसीबी ने पकड़ा है। एसीबी ने ग्राम सेवक विनोद और दलाल को ट्रैप किया है। 5000 की रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा है। पट्टे की नकल देने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई है। एएसपी गणेशनाथ सिद्ध के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दो घूसखोर और दबोच लिए गए हैं। एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान ग्राम सेवक विनोद और दलाल को ट्रैप किया गया है। 5000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा है। ये रिश्वत क्यों मांगी गई थी ये जानकारी भी लग चुकी है। दरअसल पट्टे की नकल देने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। और इसको जरा समझिए कि अगर ये घूसखोर जिनको ग्राम सेवक कहा जा रहा है वो अगर इस तरीके से घूस ले रहे हैं तो फिर जो घूस की दीमक है वो ग्राम स्तर तक पहुंच चुकी है, गांव तक पहुंच चुकी है। और जो गांव के लोग हैं जिनकी परेशानियों के समाधान के बदले में भी पैसा ले लिया जाता है, जरा सोचिए हालात कितने विकट हैं। बहरहाल एसीबी ने एक बड़ा काम किया है। एसीबी ने ग्राम सेवक विनोद और दलाल को ट्रैप कर लिया है। 5000 की रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा है। पट्टे की नकल देने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी और एएसपी गणेशनाथ सिद्ध के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उम्मीद करेंगे कि जब अब इनसे पूछताछ होगी तो कई और खुलासे भी होंगे। मेरे सहयोगी नवीन मेरे साथ जुड़ चुके। नवीन, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और क्या परिवादी की शिकायत पर ट्रैप की कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल वाकई विजेंद्र, एसीबी ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हनुमानगढ़ में कार्रवाई को अंजाम दिया है और वहां के गांव के जो सरपंच है उन्हें यहां पर रिश्वत लेते हुए 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ये ग्राम पंचायत सचिव है विनोद और उनके साथ ही उनका जो दलाल है उन्हें भी एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से एसीबी पूछताछ कर रही है और ये 3000 रुपए पहले भी ले चुके थे। सिर्फ एक परिवादी था, उसको पट्टे की नकल देनी थी और पट्टे की नकल देने की एवज में इन्होंने रिश्वत की राशि की मांग की थी। 3000 रुपए कल ले चुके थे और आज 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने।